हेलो गाइस, वेलकम टू मैडी ब्लॉग्स। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है ट्यूसडे और सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गया हूँ, क्यों आज का पूरा लाइनअप वर्क पूरा मैं शेड्यूल कर दिया, कल ही रात को कर दिया था। तो आज क्या है कि पहले मैं सुबह से उठ के ब्लॉग कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद उसको एडिट कर दूंगा, उसके बाद आज बैक टू बैक CVA मतलब VC है, फिर मेरा कुछ जूम में मीटिंग्स है और कुछ वेबिनार है, ऐसा बहुत सारा लाइंड अप वर्क है। तो मैं सोचा आज पहला ब्लॉग बना देता हूँ तो मैं पूरा माइंड फ्री हो जाऊँ, फिर सारा फोकस ऑफिस का काम में लगा दूँ। तो आज जो ब्लॉग बना रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं पहले बनाने वाला था लेकिन नहीं बना पाया क्योंकि कुछ रीज़न था ऑब्वियसली। तो आज एक्चुअली मैं कुछ ऑर्डर दिया था, आज तो नहीं बहुत पहले ही कुछ ऑर्डर दिया था, ऑनलाइन मंगाया था, मेरे को कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरत था तो मैं सोचा कि आज वो टाइम है, अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। हालांकि मेरे को डिलीवरी काफ़ी दिनों पहले से ही हो गया था लेकिन मैं जो भी चीज़ ऑनलाइन आजकल ऑर्डर देता हूँ आते साथ तुरंत उसको अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ एक आइडल प्लेस में 3-4 दिन के लिए और उसके बाद उसको सैनिटाइज करके फिर उसका अनबॉक्सिंग करता हूँ या फिर जो भी चीज़ रहता है यूज़ करता हूँ। तो चलो आज शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अभी आपको दिखाता हूँ। घर में ब्लॉग बनाने से ना थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब बीच बीच में उठ के जाओ, कौन आया, कोई नॉक करता है क्या नहीं। अगर बाहर ब्लॉग करते हो ना ये एक तो फ़ायदा रहता है, मैं अपना काम ख़त्म करो फिर घर वापस आओ, घर में लेकिन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन रहता है। चलो कोई बात नहीं, तो पहला अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर दिया था, ये क्या है यहाँ पे, 2 चीज़ें इसके अंदर, 2 इनवॉइस भी है इसके अंदर। तो फिर इसको पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, हमेशा मैं टेबल के ऊपर रख के करता हूँ लेकिन इस बार सोचा थोड़ा अलग स्टाइल में करते हैं, थोड़ा चीड़ फाड़ करके करेंगे तब मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा, बाप रे इसका पूरा ये बॉक्स ही पूरा चपटा हो गया है। इसके अंदर और एक 2 बॉक्स है, ठीक है, तो इसको अभी डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये इसका बिल है, बिल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये बॉक्स में क्या है वो देखते हैं। ओके, ये है मेरा कार का गोप्रो माउंट या फिर कैमरा माउंट बोल सकते हो, मेरे पास पहले भी था लेकिन पहला वाला जो माउंट था वो मेरा टूट गया, टूट नहीं गया मतलब मैं एक्चुअली तो रोड ट्रिप पे गया हुआ था, मेरा दोस्त का गाड़ी किया सेल्टोस में गए थे, और वो वीडियो अगर कोई मिस कर दियो तो वो जाके चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट में, मेरा यूट्यूब चैनल का सबसे हाईएस्ट व्यूअर वाला मतलब जो वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद किया और सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो वीडियो में वही वीडियो ही है, तो वो वीडियो जाके जो भी मिस कर दियो जाके देख लो। तो ये है कार माउंट, मैं उसका गाड़ी में भी लगा के गए थे लेकिन कहाँ मिस हो गया, मैं आपको पुराना वाला दिखाता हूँ। ये है मेरा पुराना वाला माउंट, इसमें ये नट मिसिंग है, ये नट अगर आपको दिख रहा हो तो ये नट मिसिंग है और ये नट मिसिंग है, डिफरेंस देख लो भैया, ठीक है। तो अब ये वाला मैं दूसरा मंगाया हूँ, इसको देखते हैं फिर यूज़ करने के बाद पता चलेगा ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं तो फिर देखेंगे क्या चीज़ होता है। तो इसको क्या करते हैं ना, कार का विंडशील्ड में गाड़ी चलाने के टाइम तो फ़ोन पकड़ के या फिर गोप्रो पकड़ के ब्लॉग करना तो बहुत ही डेंजरस है, मैं बहुत ब्लॉग वैसे बनाया हूँ लेकिन अभी मैं डिसाइड कर दिया हूँ वैसे और कैजुअलिटी नहीं लेने का भाई, कुछ अगर कहीं ठुक ठाक गया गाड़ी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसी के लिए मैं टोटली उसका भी अवॉइड करने वाला हूँ, मतलब तो जितना हो सके टोटल अवॉइड करूँगा। अगर गाड़ी चलते वक्त तो ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, मैं गाड़ी को कहीं कोना में रखूँगा उसके बाद ब्लॉग बनाऊँगा, ये मैंने डिसाइड किया। और चलते के टाइम भी कुछ कुछ अच्छा फुटेज मिलता है तो उसी के लिए मैं ये माउंट ले आया हूँ, सामने विंडशील्ड में डाल दो, कैमरा वगैरह फिट कर दो, आराम से अपना फुटेज रिकॉर्ड होता रहेगा, आपको बार बार हाथ इधर उधर भी करने का जरूरत भी नहीं है। तो वही पर्पज़ के लिए मैंने ये मंगाया था, ये कार माउंट है, ये कॉस्ट कितना गिरा, यहाँ MRP तो है 1999 लेकिन ये मेरे को एक्चुअल कॉस्ट कितना गिरा, ये बिल भी आधा कट गया है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, मेरे को जहाँ तक याद है 1200-1300 कुछ गिरा है, मैं मेल में चेक करके
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि इसका प्राइस एक्चुअली कितना था, ठीक है। ये एक चीज, हाँ, इसके साथ एक तो ये छोटा सा अमाउंट दिया है क्योंकि इसको फिर इसमें डालना पड़ता है। पहले इसको यहाँ पे डालने के बाद फिर ये जो GoPro है इसको यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे डाल के और एक ठो माउंट अलग से लगाना पड़ता है, तो ऐसा फिट होता है GoPro या फिर दूसरा किसी का कैमरा रहेगा। और अगर हैवी कैमरा चाहिए आप, मतलब हैवी कैमरा आपके पास है, तो ऐसा एक से काम नहीं चलने वाला, ऐसा और भी बड़ा वाला आता है, तीन ठो कैमरा विंडशील्ड में लगे तभी जाके वो DSLR या फिर मिररलेस कैमरा वो सब फिट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अभी थोड़ा हाथ को सैनिटाइज कर देते हैं, एक एक अनबॉक्सिंग होगा, एक एक सैनिटाइज होगा, क्योंकि अंदर में कौन सा पार्ट क्या है, कहाँ से आता है, उसका कोई खोज खबर नहीं है, तो इसी के लिए बेटर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी है दूसरा चीज़, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या है थोड़ा देखते हैं। वाह, ये बहुत जल्दी खुल गया। ये है टेस्ला गार्डियन गैजेट कंपनी से। ओके, ये तो स्पेशल चीज़ है। हालांकि GoPro जो रहता है वो वाटरप्रूफ रहता है, लेकिन मैं एक्चुअली वो जब मोटो ब्लॉगिंग जब किया जाता है तो साइड का उसका जो क्लिप्स रहता है उसको खोल के करना पड़ता, और एक बार वो खुल गया तो वो और वाटरप्रूफ नहीं रहा। तो इसी के लिए मैंने प्लान किया कि अंडर द वाटर थोड़ा शूट करने का। अरे ये कैसे खुलेगा, हाँ खुल गया। तो उसी के लिए मैंने प्लान किया है कि अंडर द वाटर थोड़ा शूट करने का। तो ये है केस, ये पूरा वाटरप्रूफ है, तो इसको थोड़ा खोल के देखते हैं ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको GoPro को इसमें डाल देने का है, ऐसे दिख रहा होगा आपको। उसके बाद इसको ऐसे बंद करना पड़ेगा, ऐसे देख लो भैया, बंद हो गया। और GoPro को ऑपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ से एक बटन दिया है ऑपरेट ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ से क्विक स्टार्ट करने के ये वाला है, और ये वाला इधर से ऑन ऑफ भी हो सकता है, और ये मैनुअल भी चेंज हो सकता है। मतलब अगर आपको वीडियो इमेज टाइम लैप्स चेंज करना तो इधर से कर सकते हैं। अभी इसके अंदर बैटरी नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता। तो ये एक तो वाटरप्रूफ केस है। चलो, इसके साथ ये मस्त वाला टाइप का एक तो दिया हुआ है, नॉर्मल जो रहता है माउंट का जो स्टिक रहता है, कहाँ गया भैया, छोड़ो, जो स्टिक रहता है वो नॉर्मल गोल टाइप का रहता है, लेकिन ये थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, जो जेट फाइटर का जो पूंछ है वैसा टाइप का दिखता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या कॉस्ट है वो मैं देखता हूँ। हाँ, ये है 1200-1300 था, और वो वाला जो है वो 200-300 कुछ प्राइस है, मैं थोड़ा गलती बोल दिया। एग्जैक्ट प्राइस मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन में फ्लैश कर दूँगा। तो ये रहा वाटरप्रूफ माउंट के लिए, या फिर अगर आपको बिना वॉइस का, अगर आपको खाली वीडियो शूट करना है तो इससे आप कर सकते हैं। इसके सामने कुछ स्टिकर विकर लगा है, उसको मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसको हटा दूंगा, तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ दिखता है आपको। अब तीसरा क्या है वो देख लेते हैं। ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, इसको थोड़ा खोल के देखते हैं। बहुत दिनों पहले मंगा लिया था, अभी लॉकडाउन के चलते मतलब जो टाइम में डिलीवरी होना चाहिए वो और अभी हो नहीं पाता, तो इसी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी भूल जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ मैंने मंगाया। अच्छा, ये मैं एक्चुअली बाइक जब चलाता हूँ, लंबा लंबा राइड में जाता हूँ, लंबा तो नहीं, इतना लंबा भी आजकल गया नहीं हूँ, 4-5-6 घंटे के लिए जब जाता हूँ, तो मैं एक तो सर पे एक कपड़ा बांधता हूँ और फेस के लिए एक बांधता हूँ। तो मेरे को एक तो सिंगल कपड़ा चाहिए था, इसका एक तो स्पेसिफिक नाम भी है, मेरे को नाम पता नहीं, याद क्यों नहीं आ रहा, तो वो उसका नाम बोलते, तो उसी के लिए मैं इसको मंगा लिया था। तो ये पूरा मतलब जो डकैती करते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो बैंक रॉबरी करते हैं, वहाँ आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा, या फिर जो लोग बाइकर्स लोग मेरा वीडियो देखे उन लोगों को आपको पता ही होगा, ऐसा टाइप का ये सामान है। इसको क्या करना है, इसको अपना खोपड़ी मतलब सर पे लगाना है, उसके ऊपर ही हेलमेट पहना जाता है,
तो इसको थोड़ा ट्रायल करके देखते हैं भैया कैसा लग रहा है। पूरा जबरदस्त, तो ऐसा पूरा आप आराम से इसको पहन के, अभी हेलमेट पहनते नॉर्मली क्या रहता है जो कपड़ा हम लोग बांधते हैं ये इधर उड़ता रहता है, तो ये लेकिन ये वाला जो चीज़ है ये आराम से आपका टी शर्ट के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। और ये देख लो भैया पीछे से कैसा दिख रहा है, ठीक है। और इसमें झंझट नहीं है, दो तीन चीज बांधने का जरूरत भी नहीं है, आराम से पहनो हेलमेट घुसाओ फिर अपना भैया राइड पे निकल जाओ। तो मेरे को तो ठीक ठाक लग रहा है, इसका ही प्राइस ज़्यादा कुछ नहीं था, 265 था ये इसका प्राइस मेरे को याद है, क्योंकि इसको मैं अलग से ऑर्डर दिया था, 265 रुपीज़ है, ठीक है। ये चीज़ ठीक ठाक है, कपड़ा भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, बाकी लॉन्ग रन में कैसा लास्टिंग करेगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी इसको भैया निकाल देते हैं, ये मटेरियल जो है ना थोड़ा लाइलन टाइप का है, मतलब जो बोलते हैं ना शर्ट शर्ट जो लोग पहनते हो उसको पता होगा ये मटेरियल कैसा है, बाल वाल भी पूरा ख़राब हो गया। तो ये चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा जो भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर बाइक चलाते हो तो इसको पहनना चाहिए, इससे फ़ायदा ये रहता है, एक तो स्वेट वेट जो रहता है डायरेक्ट हेलमेट को एक्सपोजर नहीं रहता है, उसके बाद मतलब धूल मिट्टी जो जाता था आपका इसी के अंदर ही रहेगा, इसके उधर तो जाएगा नहीं, मतलब बहुत कम में जाएगा। तो ये चीज़ सबको यूज़ कर दिया, हार्डली 265 रुपीज़ है। तो बस इतना ही था, मैंने मंगाया था इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और हाँ कहाँ से ख़रीदना है पूरा बाइंग लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको अगर किसी को ख़रीदना है तो जाके क्लिक करो परचेस करो अगर आपको ये ज़रूरत है तो। तो ये था सारा मतलब तीन ही चीज़ मैंने मंगाया था, इस बीच और भी कुछ मंगाया हूँ और वो अभी तक डिलीवरी हुआ नहीं है अभी तक, जब डिलीवरी होगा तो उसका एक अलग से डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगा। और बस इतना ही था, छोटा सा ब्लॉग, थोड़ा यूटिलिटी ब्लॉग जैसा था ये मेरे लिए, मैं अपने लिए मंगाया था तो सोचा जो भी मेरे बाइकर्स व्यूअर्स होंगे उनके लिए तो बेनिफिट रहेगा, स्मॉल प्राइसिंग प्रोडक्ट है लेकिन काफ़ी यूटिलिटी है इसका। अगर आपको ये प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जानकारी ज़रूरत होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसी के नोट में ब्लॉग को एंड करते हैं, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसी नोट में बाय बाय।